लोग कहते हैं उनकी तालाब थी इनकी क्लास में और इस तरह से हम सब लोग हम
तो अभी खाना ही खाने से ये होता है हमारे को ट्रेनिंग हो चुकी जरूरत थी, लेकिन आप लोगों की ना हो बस देखना चाहता हूं आप लोग हम किसी भी बड़े उम्र में जानों और बेटी का एटीट्यूड बनाए रखे और वो रखना हो रखना है तो आपसे गाय का घी का मतलब होता है गाय का और गाय का मतलब होता है देसी गाय। हमारे यहाँ जो गुजरात में गिर गाय होती है यहाँ और कोई इंग्लिश गाय तो 36 अलग अलग भारत में गाय के प्रकार है उसमें से जो आपके एरिया में सही मानी जाती हो उस गाय का घी करती हूँ। आप कैसे पेट गंदा होता है तो पिज्जा में वो ऊपर तो मोसरेला होता है उसका तो कौन सा अच्छा है तो देखने भी कितने पक्को पीनस तो उसको पहले सिखाते हैं जी बहुत अच्छी है उसको जरा चक्कर डाल लीजिए एक आध इलाज डाल लीजिए और फिर खाए किसी भी तरह चक्कर भी जाएगी लुट भी जाएगा तेरा वो तो सलमान खान भी बोल रहे इलाज खान के घी चक्करा और दखन और क्या चाहिए मेरे कहने का मतलब कि घी खाओ चक्करा खाओ हम लोगों के हमारी ओपिनियन होती है हमारे यहाँ पेशेंट्स आते हैं हमको उम्र वाले पेशेंट भी आते हैं उनके लिए जिनकी ओपिनियन है जिनके यहाँ पूरे पेशेंट्स आते हैं भले ही वो किसी डिजीज के रोगी हो लेकिन उनको बुढ़ापा भी होता है उसके लिए क्या करना है उसके लिए मेरी ओपिनियन कोई भी वृद्ध पेशेंट आता है तो उसकी दोष दुष्य आदि को तो संतोष समाधि को करते रहते हैं लेकिन कुछ दो चार औषधियां मैंने कर रखी अच्छी है सच्ची है कि नहीं वो डिलीवर लेकिन ये देने से मेरे पूरे खुश रहते हैं वो मैं आपको बताऊं तो खुश रहते हुए पैसा देते हैं तो लोग मुझे यहां तक बुलाते भी कपन से कपन तक की यात्रा बस इतनी ही है मेरे कहने का मतलब ये कि अगर मेरे पास कोई वृद्ध आता तो उसको चलने दिए सत्वात्मा को सब देखने का मेरे को या तो उसको एक्सक्यूट करना भी मुश्किल आप लोग कर सकते मुझे क्या करना है उसकी ट्रीटमेंट के साथ इंद्रिय प्रबोधन तेल उसका प्रतिवर्ष जिनमें ऊर्जा का अणु तेल और इंद्रिय प्रबोधन तेल उसका नस्य उंगली में लगा के देना तो विडेन ने संभाल रहे देखना है तो ये बीच वाला समुदाय चित्रगढ़ में देखना है तो ये नीचे वाला ठीक हो जाए चंद्रप्रभा देखना है तो पैलेस ठीक है इस तरह से चार चीजों को मैं हमारे पेशेंट को लिखता रहता हूं ये कॉमन है ये डिस्क्रिप्शन सभी बुजुर्गों के लिए बुजुर्गों ने फरमाया है तो कहने की मतलब ये है बुजुर्ग पेशेंट को इंद्रिय प्रबोधन तेल और अणु तेल का मिक्स प्रतिवर्ष त्रिभुवन कीर्ति चित्रकारी और चंद्रकला चार से आप आराम से सभी वृद्धों को वृद्ध रहते हुए वार्धक्य को बढ़ाते हुए ठीक महसूस करा ठीक महसूस करना
वास्तव होना वो तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन एक घंटे की लेक्चर सीरीज के तो ऐसे वो ठीक रहे मेरे को अच्छा है और जितना होता है तो भी उसी उम्र में तो आजकल के जो हम लोग जैसे बड़े लोग हैं उसमें जितना होता है तो बहुत ज्यादा होता है। और आप बोलेंगे कि भाई आपने निकला या कॉन्स्टिपेशन का कुछ नहीं बोला, तो वो आजकल बाबा रामदेव से लेके कायम छोड़ वाले का इतने सारे लोगों ने मेरे
इस तरह के प्रोलिफरेटिंग या प्रोग्रेसिव डीजनरेटिंग एक्ट के जो भी प्रेजेंटेशन के लिए लोग हैं उसमें बहुत उपयोगी कम से कम अपनी हमको सुकून हो जाता है, वरना आप दवाइयां देते जाते हैं और पेशेंट कंप्लेन बढ़ाता जाता है और डेढ़ जना रिपोर्ट करके और मुश्किलें बढ़ाता है। साहब ये नींबू जैसा था बच्चा ये कितना हो गया खुश है नहीं तो हाँ साहब मैं बहुत खुश हूँ लेकिन ये रिपोर्ट बड़ी सौतन है हमारे हम करते थे और हर एक पेशेंट लाके आते सर ये बढ़ गया मैंने बताया था मैंने बताया उनको फायदा है नहीं वो बोलते हैं हाँ फायदा तो ये जिसने बढ़ाया वो बैठा नहीं वहां तो जाना नहीं वहां गए तो बहुत सारी साइड इफेक्ट होती है और बहुत खतरा होता है आपने तो अच्छा सुकून है तो फिर परेशान मत कर दे सीए या सीबीसी से डरा मत और मैं तो डरता भी नहीं रिपोर्ट के लिए कह नहीं रिपोर्ट दे दो तो परेशान चले जा तू बोल तुम्हें ठीक है वो बोलेगा हाँ मुझे तो बहुत ठीक है और ये बड़ी मुझे पता अभी तक क्या सब मुझे समझ नहीं आया पाएगा कि आयुर्वेदिक दवाइयां पैथोलॉजी निकलती जाती हूं फिर भी पेशेंट्स को बहुत अच्छा ठीक है। एक आम भारतीय भूख लग गया नींद आ रहा है पकाना हो जाए और सेंस ऑफ वेलबींग फील हो तो वो बोलेगा हाँ साहब दवा लागू पड़ गई फिर वो रिपोर्ट की ज्यादा परवाह नहीं कर और ये ईश्वर की कृपा है या ये संहिताओं की मानता है तो शाश्वतता है कि वो स्वभाव समझित बोल जो बोलती है उतना करके देती है नहीं बोलती भी नहीं करती तो कहने का मतलब है उसने बोला कि मैं तुम्हारे पेशेंट का खातू साफ करूंगा तो वो क्या था खातू साफ के जो लक्षण थे और दादा बहुत परेशान कर रहे थे मुझे क्या होता है दादी साहब ओ मेरा बंगला ऐसे सर्वाकार सुखान ये कुछ लक्षण है वो आयुर्वेदिक दवाई शास्त्रोक्त हो विद्वत्त हो रसशास्त्रीय हो अपनी परंपरा की हो इतना तो वो करती ही है मेरे से निकाल रूप शमन उसके लिए थोड़ी मुश्किल है लेकिन अब ये बड़े बड़े वैद्य हैं वो करेंगे उस पर काम हम भी कर रहे हैं और जब आप हमारे जितने हो जाएंगे तब तक रोगों के संबंध का भी हम आपको तसल्ली देते हैं खोज के लिए आए तो बाकी का सब करते हैं रुगों के संबंध अपने आप हो जाते हैं बार बार बातों सामने करते रहो रुगों के संबंध अपने आप हो जाते हैं तो ये मेरे कहने का मतलब है कि वृद्ध लोगों के प्राणों को बढ़ा नहीं सकते लेकिन स्टेटस को मेंटेन करना और उस स्टेटस को मेंटेन करने के लिए मैंने बताया इंद्रिय वर्धन केवल अनुदेव का प्रतिवर्ष त्रिभुवन के चित्र का चंद्र बने और कभी कभी पिंपली को ये मेरे बुढ़ापे मेरे बूढ़े पेशेंट की ये ट्रीटमेंट है तो मेरे हर एक बूढ़े पेशेंट को कई बार तो और कोई कंप्लेन ही नहीं होती इतने से ही निकल जाता है सब काम बड़ी बड़ी बात जब पानी पूरी खाई तब उसे आए थे उन्होंने दर्द होगा अब आए हो फिर वो तो स्वीकार कर लेते हैं लेकिन फिर भी वो इन चार चीजों से एक बहुत मजेदार शब्द मैं आज आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं वैसे ऐसी औषधियां जैसे भी है जिस कंडीशन में है उसको वही वैसा ठीक ठाक बनाया ये धातु संस्था को कर रहे हैं ये ऐसी चार पांच औषधियों से मैं करके मेरे पेशेंट को खुश रखता हूं
अब पेश जाएंगे तो वो एकदम से पढ़ाएंगे जो प्राण का एक्यूट क्षय हो गया जब प्राण को सब क्लिनिकल लेवल पर लो रहते हैं प्राण एनर्जी की नहीं हो लो फील करता फोकस नहीं कर पाता वो सुबह होती है शाम होती है दिन की तमाम होती है ऐसा ही फील होता है सोए को लगता है कब सुबह होती सुबह हुआ तो कब शाम होती ये जो इतना प्रॉब्लम है वो उस पर मैंने तवज्जो करके थोड़ा काम किया है वो आपको शेयर कर देता हूँ उसके बाद ये ताजा कर चवनकाश और ब्रह्मरस है ये दोनों का मिश्रण करता है पेशेंट को हरित इत्यादि योग से पुराण पर शोधन कर देता है हरित इत्यादि योग चरक के संतान के प्रथम अध्याय रसायन के प्रथम बाद में हरित से प्लानिंग करके है वो देने से एक तो उल्टियां और दो तीन हो गए रास्ता साफ हो जाता है ट्रैफिक क्लियर हो जाता है फिर उस पेशेंट के घर में उसके बेडरूम को लेफ्ट परतों से कवर करना है एसी चालू कर देना है और उसमें उसका पूरी प्रवेश करना है पूरी गर्भवास भी कहां बनाया है अपन तो कॉन्क्रीट के जंगल में रहते हैं वहां 10 by 10 का तो क्लियर कटर रूम करो उसके कहां कुछ भी बोलना जाए उसके तो अच्छा है उसके बेडरूम को ही पूरी करना देगा वो अंधेरे पर आले पत्र लगाने और ये थोड़ा सा हल्का फुल्का शोधन करके अंदर घुसे थे बंद करना लाइट नहीं करना फिर एसी कंडीशनर नहीं चालू रखना है 100 ग्राम चवनप्राश सुबह 100 ग्राम चवनप्राश दोपहर और 100 ग्राम चवनप्राश शाम ये चवनप्राश को ग्राम रसायन मिक्स बड़ा पता करनी होगा फिर भी भूख लगे तो फिर खीर और दूध चावल ये 21 दिन तक आइसोलेशन और देखो साहब ये 14 दिन तक अभी भी है मैंने तो 15 साल पहले किया हुआ आपकी मैं मानता हूँ वो उसकी गलती होगी बीमारी व्यक्ति की एक चमत्कार
किसी का ब्लड ग्रुप दे दो, वो आगे में नहीं मान जाए तो वो आई में हुआ होगा। देखिए वो गलती से उसके हंस के कर लो, जिस बोला हाँ किसी ने गलती से आ गया हो तो फिर वो चेंज करके कार्य बदल दिया। अब हमारे लिए तो एक पर्सनिटी खड़ी होती है ना कि आदमी का अवतार चेंज हो जाता है। जो आदमी को कुड़ी प्रवेश या द्रोणी प्रवेश करते हैं उसमें से एक नया आदमी बन के आता है, उसका ब्लड ग्रुप चेंज हो जाए उसमें बच गया। लेकिन हाँ इस स्टेज हमारी अभी की मैच्योरिटी हमको ये अलाउ नहीं करती कि हम ये बोले या समझे भी कि ये कुड़ी प्रवेश ब्लड ग्रुप। इस तरह से मुश्किल में आन पड़े काम ठीक करने के लिए ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस और इमीडिएट प्राण क्षय हो गया तो क्या करना है, आईसीयू में बुलाया जहां बिल्कुल प्राण गायब है, शरीर जो तैयार शरीर तैयार संयोग को वो बाहर से तुरंत गायब वहां क्या करना है। वहां आज वहां का ज्यादा काम कर रहा हूं सहस्त्र बुद्धि अर्पण जो तो लाके चढ़ गया उसको शहर या चीनी मिला के पेशेंट की चिपके तले लगा देगा। आप भी लगा करके देख 15-15 मिनट में वो उंगली पर कोट देखते रहे, एक दिन लगता है बिल्कुल ठीक ठाक होने में, एक दिन लगता है लेकिन कितने वो कोर्ट की कम कर देते हैं बाइपेटिव हो जाता है। ऐसे ये कोविड में बहुत सारे हुए थे, कुछ 15 या 17 पेशेंट को मैंने इस तरह से ई भाई को आराम पर क्या डबल सबसे से किया एक घटपटा करके गोली करनी होती है। लेकिन जो बेहोश है उसको परिवर्तन नहीं पता होता, तो जब होश आता है फिर चिल्लाता है कि ये वो प्रभाव हो गया। लेकिन फिर वो बच जाता है इसलिए प्रभाव को उसको कोई तरीके को रखकर वो भी नीचे रख पाता और उसको पिघल पिघल शरीर पर होकर के ये प्राणाम कर। तो इस तरह से मैं प्राणाम विसर बैठते हूँ प्रार्थना है आप सब लोगों ने बड़े प्रेम से।